आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। आपने कहा था जैसे ऑडिट कंप्लीट होगा आप मुझे जाने देंगे, और मेरी जहीन सर से भी बात हो गई। हाँ आई नो, मैंने कहा था कि कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट तक रुक जाना, लेकिन अभी तक नया मैनेजर नहीं आया ना, तो यू हैव नो चॉइस, तुम्हें रुकना पड़ेगा। देखो ना, अब जहीन और महा भी कितने बिजी हो गए नए प्रोजेक्ट में, तो जैसे ही फ्री होंगे तो हम नया मैनेजर हायर कर लेंगे ना। हाउएवर, तुम ऐसा करो कि तब तक कंपनी के थ्रू एक एड इशू कर दो। मैम, मैं मिस्टर रिजवी से बात करूं, अगर आप कहें तो। ही सीनियर, कंपनी को जानते भी हैं, सारा काम समझते हैं। नो, ही इज एब्सोल्युटली डूइंग ग्रेट एट ज़हीन्स कंपनी, जहां पर भी हैं ठीक हैं बिल्कुल। मुझे तुम्हारे जैसा आदमी चाहिए ना, पता करो। हर बार काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटना जरूरी है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे लोगों के रास्ते में आने का। जाइए प्लीज। रेहान, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे। अमन, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई बात सुननी पड़े, किसी को मौका मिले। नहीं रेहान, तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, अब अगर तुम इस तरह जॉब छोड़कर चले जाओगे तो मुझे बार बार इस बात का एहसास होगा कि तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हो, ये सही नहीं है। अम्मा प्लीज, तुम खुद को इन बातों का जिम्मेदार मत ठहरो। आज नहीं तो कल मुझे ये जॉब छोड़नी थी। सोचा था जब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी तो मैं फायजा आप ही के पास कनाडा चला जाऊंगा। तुम फायजा आप ही के पास जा रहे हो? एक दोस्त हो तुम मेरे, तुम भी मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं कहीं भी चला जाऊं हमेशा तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट में रहूंगा। एक बात की तसल्ली तो मुझे हो गई है कि तुम फाइटर हो, इतनी जल्दी हार नहीं मानो। तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा? ऑफ कोर्स हो, इंशाल्लाह। तुम देखना आने वाले दिनों में तुम्हारी लाइफ में सब खुशियां आ जाएंगी, कोई मसला नहीं रहेगा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? भला मैं क्यों मजाक उड़ाने लगा, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। चलता हूँ।